हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जैसे पिछली बार हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू तैयारी हमारी चल रही थी, इस बार भी क्या है सीटेट का क्लास हमारा लगातार कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें ऑफलाइन क्लास तो चल रही है आपकी, हम ऑनलाइन पे क्या है आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। लगभग 5 सब्जेक्ट है, लगभग 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू मिल रहा है। कभी हम EVS कर रहे हैं तो कभी मैथ कर रहे हैं, कभी CDP तो कभी पैडागोजी। पैडागोजी जो आपको कराई जा रही हो कंप्लीट कराई जा रही है, आपका कोई भी मतलब हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे EVS हो, ठीक है, चाहे CDP हो, सारे जो सब्जेक्ट हैं सब में जो 15-15 नंबर आपके जो पैडागोजी पूछी जाती है, सभी के पैडागोजी प्रश्न को हम कर रहे हैं। उसी में सारी थ्योरी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, बस लगातार वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। जो इसमें शॉर्ट ट्रिक जहाँ लगने वाली हैं, जो थ्योरी है सबको हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, चाहे वो EVS की बात हो, चाहे आपका EVS हो या मैथ हो या फिर CDP हो या पैडागोजी हो, सबकी बात हम कर रहे हैं। तो आज देखेंगे हम लोग क्या इन्वायरमेंट का देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज वीडियो क्या है 5वां होने वाला है, आज वीडियो 4वां होने वाला था भाई। चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। आज ये इन्वायरमेंट क्लास होने वाला है, उससे कोई मतलब है नहीं, आज इन्वायरमेंट क्लास है, आज हम इसको देखेंगे। इसमें थ्योरी प्लस टैग वर्ड कहाँ पे ट्रिक, मतलब टैग वर्ड शिक्षण में काम करते हैं, फिर भी इसमें हम ट्रिक देखेंगे, जहाँ पे लगने वाली है वहाँ पे ट्रिक हम क्या करेंगे लगाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, आप लोग क्या है पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए भैया, जो आपको आंसर सही लगे उसको ट्रिक करिए, बाकी सब हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, सामाजिक कीट कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में सामाजिक कीट कौन सा नहीं। सामाजिक कीट का मतलब क्या होता है भाई, सामाजिक कीट का मतलब होता है यहाँ पे आपका इसमें दिया है कि सामाजिक कीट का मतलब होता है जो समूह में रहे, सामाजिक कीट मतलब जो समूह में रहे, कैसे रहे, समूहों में रहने वाले को सामाजिक कीट कहते हैं, जिसमें हमारी क्या होती हैं, जिसमें हमारी चींटियाँ हो जाएंगी, ठीक है ना, जिसमें हमारी क्या हो जाएंगी चींटियाँ हो जाएंगी, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा ततैया, जिसमें क्या होगा ततैया, चींटियाँ हो जाएंगी, ततैया हो जाएगा और आपका दीमक हो जाएगा, ठीक है ना, चींटियाँ, ततैया, दीमक और क्या मधुमक्खी होगी भाई साहब, लेकिन मक्खी नहीं होगी, क्या होगी मधुमक्खी होगी लेकिन मक्खी नहीं होगी। आप इसमें उसको भी डाल सकते हैं रेशम के कीट, ठीक है ना, रेशम के कीट को भी डाल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो इस समूह के लिए बनता है ज़्यादातर, चींटियाँ, दीमक ततैया, ठीक है, दीमक ततैया ये सब बनता है ज़्यादातर। और देख चीज़ और देख लीजिए, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन जो आपके आते हैं तो कभी कभी तो इसके आधार पे आ जाएंगे। आप इसमें पूछ देगा, आपसे पूछता क्या, यहाँ पर काम नहीं कर रहा क्या भाई, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, क्या गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये बार कोड कहाँ से आ रहा भाई। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, आपका मधुमक्खी से भी पूछ लेता अलग से, ततैया ये सारे आपको समूह में होती हैं, ठीक है। चींटियाँ क्या होती हैं भाई, चींटियाँ एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं, जिससे इसके पीछे आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाए, इस तरह क्या है एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। चींटियों के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, कह रहे फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है जलन होता है, आपका जो बिच्छू होता है बिच्छू के अंदर भी क्या है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी क्या है, सुनीता विलियम्स, अनीता नाम की लड़की है, बिहार के मुजफ्फरपुर में क्या है मधुमक्खी पालन किया जाता है, क्या है मधुमक्खी पालन, इसका सही समय क्या है अक्टूबर से दिसंबर, मच्छर दोहरा रहे भाई सर, इसका सही समय क्या है अक्टूबर से दिसंबर, ये क्या होता है अक्टूबर से दिसंबर इसका सही समय है, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है ना, अक्टूबर से दिसंबर इसका सही समय होता है मधुमक्खी पालन करने का। और जो फूल होते हैं वो फरवरी के माह में खिलते हैं, ठीक है, जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तब यहाँ से देख लेंगे।
यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा, भृंग हो जाएगा। ये क्या है, ये समूह में भाई साहब नहीं रहता है, और बाकी दीमक, मधुमक्खी, चींटियाँ सब क्या होती हैं, समूह में रहती हैं। रेशम के कीट से भी क्वेश्चन आपका आएगा, रेशम के क्या है कीट, रेशम के जो कीट हैं अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से क्या है पहचान जाते हैं, जो रेशम कीट हैं अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर तक पहचान जा सकते हैं। और यहीं पर एक मच्छर की बात आती है, क्या आती है, मच्छर की बात। मच्छर जो क्या है भाई साहब, मच्छर हमारे पैर के जो तलवे में पसीना होते हैं उससे पहचान जाते हैं, ठीक है। और मच्छर जो होते हैं ये साफ पानी में अपना अंडा देते हैं, जो डेंगू वाले होते हैं। मच्छर से काटने वाले कौन कौन से रोग होते हैं याद कर लीजिए, मच्छर से काटने वाले रोग क्या करने वाले भैया, रोग किससे, मच्छर से, किससे, मच्छर से काटने वाले रोग, म से मलेरिया, म से मलेरिया। अब मलेरिया भैया कहाँ, म से मलेरिया, मच्छर कहाँ काटते हैं, चमड़ा पे, च से चमड़ा पे, तो क्या हो जाएगा, च से चिकन बुनिया, च से क्या हो जाएगा, चिकन, चिकन बुनिया, ये क्या हो जाएगा, मच्छर से क्या होता है, म से मलेरिया, चिकन बुनिया, चिकन बुनिया, कब भैया, जब चमड़े पे काटेगा तो चिकन, ठीक है ना, क्या हो गया भाई, बुनिया, ठीक है, चिकन बुनिया। और ये चिकन बुनिया रोग कैसा है, डेंजर है, क्या है, डेंजर, डेंजर से क्या होता है, डेंगू, क्या हो जाएगा, डेंगू। याद रखिएगा, मच्छर काटा चमड़े पे तो हो गया मलेरिया, ठीक है ना, मलेरिया डेंजर रोग, मलेरिया और चिकन बुनिया और डेंगू, चमड़े पे काटा तो चिकन बुनिया, मच्छर चमड़े पे काटा तो चिकन बुनिया, अम्मा से मलेरिया और कौन, डेंगू। बाकी जो बाद में बचता है वो मक्खी में डाल दीजिएगा, हैजा हो गया, तपेदिक हो गया, ये सब उसमें डाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब बताइए इसमें क्या सही होगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने बताइए इसमें क्या दिया गया भाई, ये कह रहा है कि भौम जल को पुनः भंडारित किया जाता था, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः भंडारित किया जाता था, इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में कहता है। देखिए, एक आपका ये मध्य प्रदेश दिया है, राजस्थान, पंजाब, बिहार, ठीक है, ये क्या होता है भैया, राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आप पानी को स्टोर करने के हर जगह के अलग अलग तौर तरीके हैं, जोहर, तालाब, ठीक है, जोहर, तालाब, बाबड़ी, कुआं, नौला, धारा, ये सब पानी स्टोर करने वाली चीज़ हैं, ठीक है, तो ये परंपरा कहाँ से जुड़ी हुई है, ये आपका राजस्थान से जुड़ा है, राजस्थान में पानी को ऐसे कहता है। आपको यहाँ से झोपड़ी से भी क्वेश्चन आता है, किससे, झोपड़ी से भी क्वेश्चन आएगा, तो राजस्थान में कटीली, कटीली, कटीली झाड़ियों से, कटीली झाड़ियों से क्या है, छतें बनाई जाती हैं, कटीली झाड़ियों से। और क्या होता है भैया, दीवाल मिट्टी की होती है, किसकी, मिट्टी की मोटी दीवाल होती है, और गोबर से लिपैया पुतैया होता है ताकि वहाँ पे कीड़े मकोड़े न लगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, अगला आपके पास ये है, दिमाग थोड़ा लगाइएगा क्या सही होगा आंसर यहाँ पे। चलिए इसमें बताइए क्या सही होगा, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम किया जाता है, सबसे कम किया जाता है तेल का उपयोग, सबसे कम तेल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो मैं एक बात बता दूं, देखो मूंगफली का तेल है, ये नारियल का तेल है, नारियल का तेल जो भैया गोवा, कहाँ पे, गोवा और कहाँ, केरल, गोवा और केरल में नारियल के तेल से बनी, नारियल के तेल से क्या बनी, क्या खाते हैं, मछली, नारियल के तेल से बनी हुई मछली खाते हैं कहाँ, गोवा और केरल में। सरसों का भैया जम्मू कश्मीर, सरसों का जम्मू कश्मीर, सरसों का जो है जम्मू कश्मीर में खाया जाता है। और यहाँ पे आपका सही हो जाएगा एक, पाम का तेल, क्या हो जाएगा, पाम का तेल, जम्मू कश्मीर में सरसों से बनी हुई क्या है, मछली खाते हैं, लिख लीजिए मछली, तेल से बनी हुई क्या है, सरसों के तेल से बनी हुई मछली जम्मू कश्मीर में खाया जाता है। गोवा और केरल में क्या है, नारियल के तेल से बनाए हुए मछली को खाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये हो गया, ये हो गया, ये आ जाइए। अभी मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था
अभी मैं कुछ देर पहले बता रहा था क्या, अक्टूबर से दिसंबर, क्या हमने बताया था, अक्टूबर से दिसंबर। ये कह रहा है बिहार में लोग के लिए मधुमक्खी पालन करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है, तो मैं भी कुछ देर पहले बता रहा था क्या, अक्टूबर से दिसंबर। इस समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर समय हम क्या करते हैं, यहाँ पे मधुमक्खी पालन करते हैं। अब फरवरी में भैया कब, फरवरी, फरवरी में क्या होता है, फरवरी में क्या होते हैं, लीची के फूल खिलते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत लीची के फूल, फरवरी में क्या होते हैं, लीची के फूल क्या होते हैं, लीची के फूल खिलते हैं, ये मधुमक्खियों को क्या है, बहुत लुभाते हैं। मधुमक्खियाँ जब भोजन पा जाती हैं, क्या पा जाती हैं, मधुमक्खियाँ जब भोजन पा जाती हैं तो डांस करती हैं, क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार का ये डांस करती हैं, ताकि एक मधुमक्खी को दूसरे मधुमक्खी को पता चल सके कि नहीं कहीं भोजन मिल गया। तो याद रखिए अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का समय होता है अच्छा वाला, और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, भोजन पाते हैं, मधुमक्खियाँ विशेष प्रकार का डांस करती हैं। रानी मधुमक्खी क्या करती है, अंडा देती है, क्या करती है, अंडा देती है रानी मधुमक्खी। सिपाही मधुमक्खी क्या करती है, छत्ते का रक्षा करती है, और जो कार्य करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, भोजन क्या करती है, तलाश में जाती हैं और भोजन को लाती हैं। जैसे यहाँ मधुमक्खी की बात हो रही भाई साहब, वैसे कुछ देर पहले हम किसकी बात कर सकते हैं, चींटियाँ, क्या है, चींटियाँ भी समूह में रहती हैं, चींटियों भी एक रानी चींटी होती है, कार्य करने वाली चींटी अलग होती हैं, और चींटियाँ भी क्या है, एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती हैं, जिससे क्या है, पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ बताइए यहाँ पे क्या सही होगा आपका, चलिए इसमें क्या दिया गया है कि खुशी के पर्व पे, ठीक है, खुशी के पर्व पे फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है सही खतन को पहचानने। इसने कहा कि ये जो त्यौहार वाले हैं, कहाँ कहाँ पे आपके त्यौहार मनाए जाते हैं, किस पर्व में, अब इसमें दिया गया आपका पहला है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल क्रांति को मनाया जाता है, किसको, तिल क्रांति, कहाँ कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल क्रांति, तिल क्रांति मतलब मकर संक्रांति, मकर मतलब खिचड़ी, क्या भैया, मकर संक्रांति भी इसे कहते हैं, क्या कहेंगे, मकर संक्रांति भी इसे कहेंगे, जो खिचड़ी मनाते हैं। फिर उसने कहा कि झारखंड एवं झारखंड में पोंगल, नहीं भाई झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता है, तमिलनाडु में नब्बास, ये नहीं है, आप कह रहे गुजरात में लोहड़ी को मानते हैं, लोहड़ी को मनाता है और मतलब मनाया जाता है, और केरल में ओणम को, और यहाँ पे कह रहा है कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़ाव, असम में बिहू मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में नबन्ना क्या है मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला तो हम पहले ही बता देंगे, असम, देखिए बिहू त्यौहार, ये जब फसल की कटाई होती तब मनाया जाता है, कहाँ पे, असम में क्या होता है, असम में भैया 10 से 12 फीट, कितना, 10 से 12 फीट बड़े बांस के खंभों पे क्या है घर बनाए जाते हैं। यहाँ पे बारिश बहुत होती है, क्या होती है, बारिश, यहाँ पे क्या है, बारिश बहुत होती है, इसलिए 10 से 12 फीट बांस के खंभों पे यहाँ पे क्या है घर बनाया जाता है। क्या हुआ, टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है क्या, क्या दिक्कत आ गई, अच्छा स्पीड ज़्यादा हो रही है, ठीक है भाई स्लो कर दे रहे हैं। देखिए भैया 10 से 12 फीट के खंभों पे क्या है, बांस के खंभों पे, लिख लीजिए, अब बांस को क्या कहते हैं, बम्बू, बांस को क्या कहते हैं, बम्बू कहते हैं, बांस को बम्बू कहते हैं, बम्बू कहते हैं बांस को या बम्बू, ये 10 से 12 फीट ऊंचे, ऊंचाई से कितनी होती है 10 से 12 फीट ऊंचाई बांस के खंभों पे घर बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे बिहू त्यौहार जब फसल की कटाई होती है वहाँ पे दो प्रकार के चावल मिलते हैं, बहुत विशेष प्रकार के, एक का होता है चेराव, चेराव तो वहाँ का निर्मित होता है मिजोरम का चेराव, एक होता है बोरा, एक होता है चेवा, क्या होता है, बोरा, और एक कौन सा होता है, चेवा। ये दो प्रकार की किस्में जो चावल की बहुत अच्छी किस्में होती हैं, ये चिपचिपी होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, असम में, ये जब फसल कटाई होती है तो इन्हीं के उपलक्ष में क्या है, उपलक्ष में लड़कियाँ जो है मेखला चादर, लड़कियाँ क्या है मेखला चादर और रंग बिरंगी साड़ी पहन के, औरतें क्या है जैसे बाहर हम टेंट वेंट लगाते हैं वैसे ही क्या झोपड़ पट्टी लगा के वहाँ पे क्या त्यौहार को मनाते हैं। और कढ़ाई में भैया, कढ़ाई में जो है कि चावल को रखते हैं अकेले के पत्ते से ढक कर, आ कढ़ाई को तांबड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, तांबड़ा,
कढ़ाई क्या कहते हैं, तांबड़ा, और चिपचिपा चावल होता है, बहुत फेमस चावल है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए लिख के लाया हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हम बता रहे थे उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश में भैया खिचड़ी मनाई जाती है, मकर संक्रांति जिसे कहते हैं, और क्या है इसको मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़ाव, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नवरात्र, गुजरात में उत्तरायण, झारखंड में सोहरायन, ठीक है सोहराई, और पंजाब में लोहड़ी, और पोंगल कहाँ तमिलनाडु में। पंजाब में भैया छोला भटूरा बहुत पसंद है, पंजाब में क्या, पंजाब में छोला भटूरा लिख लीजिए, पंजाब में छोला भटूरा ये आया है आपका, छोला भटूरा कहाँ पंजाब में। जैसे क्वेश्चन आएगा भोजन वाला, एक ही जगह सारा भोजन वाला क्वेश्चन क्या करेंगे आपका करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा हम आपको समय दे रहे हैं, जल्दी फास्ट हो जा रहा है क्या, टाइमिंग कम हो गया, अभी लपेट रहे हैं भाई, काय टेंशन ले रहे हो, अभी तो क्वेश्चन बहुत सारा है। ये देखिए इसमें क्या पूछा आपसे, ये कह रहा है कि चिराव नृत्य, अभी कुछ देर पहले चिराव नृत्य की बात हम कर रहा था, चिराव नृत्य कहाँ अभी मैं बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि चिराव नृत्य में व्यक्ति व्यक्ति क्या करता है, बांस, व्यक्ति क्या करता है बांस, ठीक है ना, बांस की डंडियों को पकड़कर युग में जैसे डांडिया खेलते हैं वही तरह क्या है कराया जाता है। ये एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर क्या करते हैं बैठते हैं, जैसे ही ढोल बजाता है बांस को जमीन पर क्या करना है पीटते हैं, और क्या डांडियों की तरह खेलना नर्तक स्टार्ट करते हैं। ये आपका देखिए असम में भी हम कुछ देर पहले पढ़े, असम में क्या था हमारा बिहू, असम में कौन त्यौहार था बिहू। ये आपका होगा मिजोरम, मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती, कौन सी, मिजोरम में मिजो भाषा। यहाँ जंगल क्या है, जंगल को क्या है, जंगल को लिख लीजिए, तो रांग मतलब होता है जंगल, तो रांग मतलब क्या होता है जंगल, ठीक है, तोरांग मतलब कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग मतलब जंगल। जंगल से जुड़ी एक चीज और है, 2007 अधिकार अधिनियम 2007 में जब निकला था तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर भैया 25 साल अगर कोई 25 साल तक जंगल में जिस एरिया में रह रहा है कंटिन्यू, वह जमीन पे उसका पूरा हक हो जाएगा, उस पर वह खेती बाड़ी घर द्वार सब बना सकता है। क्या है घर द्वार जमीन मतलब जो होता है ना कि कब्जा, तो उसका कब्जा हो जाएगा अगर 25 साल तक एक ही जगह वो खेती कर रहा है जंगल में, तो जमीन उसकी हो जाएगी। अब आते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए ये मणिपुर में कौन सा क्या होता है ये लिख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उड़ीसा में कौन कौन त्यौहार, असम में बिहू, अब बिहू आपको बहुत फेमस है, बिहू आपको ज़्यादा पूछा जाता है और कुछ पूछा जाता नहीं है, ये सारे यूपी टेट में कभी कभी पूछे जाते हैं, सीटेट में आपका बस केवल क्या क्या बस बिहू त्यौहार पूछा जाता है ज़्यादा, ठीक है। आइए ये बताइए इसका क्या आपका होगा, इसका बताइए क्या होगा आपका, जानवर के बारे में आप लोग विशेष रूप से याद करके रखिएगा, ठीक है जानवर के बारे में बता के रखिएगा। अब बताइए यहाँ से इसमें क्या सही होगा, देखिए निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम, प्याज से एक चीज़ और हमको याद आई भाई, एक होता है क्रोटोन नाम का पौधा, क्या होता है एक क्रोटोन नाम का पौधा होता है, क्रोटोन क्या होता है भैया, क्रोटोन ये एक पौधा होता है, क्या होता है पौधा या पौधे, ये क्रोटोन नामक पौधे होते हैं या कह लीजिए एक पौधा होता है जो कि प्याज की जब खेती की जाती है तो उसमें इसको बोया जाता है, वो जमीन के एकदम ऊपरी परत पर होती है और जब सिंचाई का सही समय होता है उसके पहले सूखने लगता है, तो खेत में इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि किसान को सिंचाई का सही समय पता चल पाए, किसका सिंचाई का सही समय पता करने के लिए क्रोटोन पौधों को लगाया जाता है। इसी तरह एक पौधा और आता है छुई मुई, कौन सा आता है छुई मुई, छूते क्या होता है वो मुरझा जाता है। तो ये कह रहा है कि पहले क्या करते हैं भाई, तो पहले प्याज देखिए ये डी डी सब में दिख रहा है तो डी को पहले बैठा लीजिए, डी को क्या करिए पहले बैठा लीजिए, डी को क्या करिए पहले बैठा, डी से कोई मतलब ही नहीं निकला आपका, तो डी सबसे पहले हो जाएगा कि गुड़ाई करना, मृदा को पोली और नरम बनाना। तो जब किसान की बात आती है किसकी बात आती है किसान की, तो किसान का मित्र किसे कहते हैं केचुआ को, केचुआ को क्या कहते हैं किसान का मित्र कहते हैं। ये क्या करता है कि जमीन को उपजाऊ मतलब पोली बनाता है कि जिससे कि ऑक्सीजन इसको जड़ तक
पहुंच सके। ठीक है, अब बात आती कि इसके बाद क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे जमीन को खुरद दिए, जमीन की जब खुरद दिए तो उसमें क्या करेंगे हम बीज बोना स्टार्ट करेंगे। बीज को बोने के बाद अब बात क्या है, अभी देखिए प्याज को उखाड़ कर निकालना है, ये सबसे लास्ट चरण क्या होगा, प्याज को उखाड़ कर निकालना और जब प्याज को ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, सबसे लास्ट वाला ये होगा ए बी सी, सी है ना, सबसे लास्ट में ये होगा। पहला तो हमारा क्या होगा, पहला ये लिखेंगे, फिर दूसरा बीज बोएंगे, अब तीसरा बीज बोने के बाद खर पतवार को क्या करेंगे हम ए बी, खर पतवार क्या करेंगे खर पतवार को निकालेंगे, ए हो गया बी हो गया, खर पतवार को निकालेंगे। जब खर पतवार मतलब सुहाई होती है, उसमें सोहने के बाद आप क्या करेंगे एक दो तीन चौथा में इसको डालिए, पांचवा में इसको डालिए, क्यों, अब उसके बाद पहले हमने क्या किया जमीन को खुरेदा, प्याज को बोया, फिर उसके सुहाग निराई गुड़ाई जो होता है सोहना भी है, उसमें खर पतवार जो उसको निकालना, निकालने के बाद फिर प्याज को जमीन से उखाड़ना और उखाड़ने के बाद उसके ऊपर जो सूखी पत्तियां होती है क्या करते हैं उसको काट देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरा पहला क्या होगा डी, ठीक है, डी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद बी के बाद ये, बी के बाद चौथा ई, बी के बाद ई, ई के बाद सी, तो यहाँ क्या सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा आप हाथी, ठीक है, और किसका शेर, इन सबको, और क्या बाज, बाज और क्या चील, और बता रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उल्लू, क्या भैया उल्लू क्या होगा उल्लू, देखिए हाथी में क्या होता है 10 से 12 के झुंड में रहते हैं, जब क्या है 14 साल के लगभग हो जाते हैं झुंड छोड़ के चले जाते हैं। हाथनी क्या करती है, हाथनी उसका नेतृत्व करती है और जो छोड़ के जाता है हाथी के बच्चा छोड़ के जाता है ये जो है कि एक दिन में 100 केजी पत्तियां खाती हैं, इनके 3 महीने का बच्चे का वजन 200 केजी होता है, मतलब 2 क्विंटल, 200 केजी नहीं, ठीक है, हाँ केजी 2 क्विंटल, 1 क्विंटल पत्तियां खाती है, 200 क्विंटल इनका होता है। इनको कीचड़ बहुत पसंद है, इनको क्या है कीचड़ बहुत पसंद है, खाने में क्या पसंद करती हैं केला पसंद करती हैं। यहाँ से इनका क्वेश्चन आता है, हाथी के जो कान होते हैं पंख का काम करते हैं, हाथी के जो कान होते हैं वो पंख का भी काम करते हैं। शेर जो क्या है अपने क्षेत्र को, अपने इलाका को अपने मूत्र से क्या करता है बांध के रखे रहता है, और इसकी जो मूंछ है ये हवा को भाप लेते हैं और सही शिकार का सटीक पता लगा पाते हैं, और हमसे ये क्या है हमसे कम से कम ये 6 गुना ज़्यादा देखते हैं। देखिए शेर के कितने पैर, 4 पैर होते हैं, शेर के 4 पैर और 2 ठो आँखें, तो हमसे 6 गुना बेहतर देखते हैं, जबकि चील बाज, चील बाज गिद्ध और ले लीजिए चील बाज गिद्ध ये हमसे 4 गुना बेहतर देखते हैं, क्योंकि इनके पास 2 आँख 2 पैर मतलब 4, इनके पास 4 पैर 2 आँख मतलब 6, तो कहीं ना कहीं ये 6 गुना बेहतर देखते हैं और ये 4 गुना बेहतर देखते हैं। उल्लू की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 270 अंश तक ये पूरी गर्दन क्या करता है अपना घुमा देता है, जबकि वहीं मैना की बात आती है, किसकी मैना की बात, तो मैना झट से गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू क्या करता है 270 अंश अपने गर्दन को घुमा देता है। और वहीं पर भैया ये उल्लू जो क्या है, ये उल्लू को मांसाहारी भी कहते हैं, क्या मांसाहारी, उल्लू क्या होता है मांसाहारी पक्षी के रूप में माना जाता है। और देखिए थोड़ा सा अभी बोलना चाहेंगे तो पूरा थ्योरी खत्म हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का मैं व्याख्या करते चलूँगा, क्योंकि मैं बोलूँगा भैया तो 2 घंटे लग जाएंगे, पूरा सिलेबस इसी में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए बस इंपॉर्टेंट में इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आपके भोजन से आएगा, आपके घोंसला से आएगा, ठीक है, जानवर से आएगा, पक्षी से आएगा, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ये सारे टॉपिक आपको दिमाग में बैठा के रखने हैं। जैसे जैसे टॉपिक आती जाएगी उसका व्याख्या हम ऐसे करते जाएंगे और आप उसको नोट करके कॉपी पर लिखते चलिएगा, सारा जो है ईवीएस हम आपको प्रैक्टिस के माध्यम से सारा थ्योरी हम पढ़ा देंगे। तो आशा करते हैं दोस्त चीज़ों आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, अगर जी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।